क्या आपको भी पेट में दर्द होता है? अगर हाँ, आप भी कुछ ऐसा ही फील कर रही हैं, तो वो बच्चेदानी में सूजन की वजह से हो सकता है। तो मैं प्रीति यादव आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बच्चेदानी की सूजन और उसका लक्षण पहचान सकती हैं, ताकि समय रहते इसका इलाज करने पर ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारी ना बन जाए। इसलिए आज कई आपको बच्चेदानी में सूजन के कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी, जिसकी मदद से आप इस परेशानी को खत्म करके बड़ी बीमारियों से बच सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इस समस्या को खत्म करने के कुछ घरेलू नुस्खे। लेकिन इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बच्चेदानी में सूजन होने की वजह क्या होती है। तो सबसे पहली वजह है बदलता मौसम। इसकी वजह से महिलाओं की बच्चेदानी में कभी कभी सूजन हो जाती है। कभी कभी ज्यादा दवाइयों का सेवन करने की वजह से भी बच्चेदानी में सूजन की समस्या देखने को मिल जाती है। वहीं जो महिलाएं ज्यादा समय तक एक्सरसाइज करती हैं, उनकी बच्चेदानी में भी सूजन हो सकती है। और कई महिलाएं अपनी भूख से बहुत ज्यादा खाना खाती हैं, इससे भी उनकी बच्चेदानी में सूजन हो सकती है। और कभी कभी डिलीवरी के दौरान जब सावधानी नहीं बरती जाती है, तो भी महिलाओं की बच्चेदानी में सूजन आ जाती है। और कभी कभी ज्यादा रिलेशन बनाने से भी बच्चेदानी में सूजन हो सकती है। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखें तो आप इस सूजन से बच सकती हैं, क्योंकि बच्चेदानी में सूजन होना किसी भी औरत के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। इसके अलावा जैसे कि हमने अभी तक ये जाना कि बच्चेदानी में सूजन के रीजंस क्या क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स अब हम ये जानते हैं कि आखिर बच्चेदानी में सूजन के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है पेट की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना और लगातार पेट दर्द, गैस बनना, कब्ज की शिकायत रहना, या फिर अचानक से अगर आपको पीठ में दर्द होता है और बुखार रहता है, या फिर आपको हमेशा ही प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है, आपको जलन की प्रॉब्लम होती है, या पीरियड के टाइम ज्यादा ठंड लगती है, आपसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, जिसमें आप आराम से बैठ भी नहीं पाती है और आपको क्रैम्प्स भी बहुत ज्यादा पड़ते हैं, या अपने पति के साथ रिलेशन बनाते समय दर्द महसूस करना भी इसका एक लक्षण है। वहीं लगातार यूरिन आना, पेट का बार बार खराब होना, बार बार उल्टी होना, ये सब भी बच्चेदानी में सूजन के लक्षण होते हैं। तो जैसे हमने अभी तक ये जाना कि बच्चेदानी की सूजन के कारण लक्षण क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक करने के घरेलू उपाय क्या है। तो सबसे पहले आप नीम के पत्ते और सौंठ लेकर उसे पानी में तब तक उबालें जब तक वो गाढ़ा काढ़ा ना बन जाए। अब इस काढ़े को हर रोज अपने प्राइवेट पार्ट में लगाएं, इससे जल्द ही आपको बच्चेदानी की सूजन से राहत मिल जाएगी। साथ ही आप नहाते समय भी नीम के पत्तों का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं भुने हुए सुहागे के साथ हल्दी लेकर ताजे मकोए के रस में मिलाएं। अब इस मिश्रण को रुई की सहायता से अपनी प्राइवेट पार्ट पर लगाएं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपकी ये सूजन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो अरंडी के कुछ पत्तों को लेकर पानी में अच्छी तरीके से बॉयल कर लें। अब इसमें रुई भिगोकर मुंह में रखें। कुछ दिनों तक ऐसा लगातार करते रहें। इससे पेट में मौजूद कीटाणु खत्म हो जाएंगे और आपको सूजन से भी छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ एक चम्मच बादाम पाउडर लेकर उसमें 3 चम्मच शरबत और खांड पानी को रात में भिगो दें और सुबह उठने के बाद इस पानी को पिए। इससे आपके यूट्रस में गर्मी होगी और इससे आपकी सूजन भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आपको जब भी बच्चेदानी में सूजन की समस्या हो, तो आपको ताजे फलों के रस का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसके साथ ही आप सब्जियों के रस का भी सेवन कर सकती हैं। इससे बच्चेदानी की सूजन से आपको जल्द ही राहत मिलेगी। अगर आपको फिर भी राहत नहीं मिल रही है, तो आप तुरंत के तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के 1 घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।